मैं पुनः एक सेवक के रूप में, बेटे के रूप में अपने दिल की बात अपने नियमित समय मैं अपने परिवार के बीच पहुंचाना चाहता हूं। जो भी मैं पढ़ पाता हूं, जानकारी मिलती है, मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। आप हमसे खुद ज़्यादा समझदार हैं। आप किसी भी परिस्थिति में आपके आशीर्वाद से मैं लगातार कोशिश करता हूं कि अंतिम व्यक्ति की सेवा भी हो सके और उसकी ज़िंदगी भी बचे। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या यह सरकार सर्कस है? बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। कभी हम लगातार बोलते रहे हैं कि बगैर टेस्टिंग के कुछ नहीं होगा, यही बात राहुल गांधी जी भी बोले थे। और लगातार WHO ने कह दिया कि लॉकडाउन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप टेस्टिंग नहीं करेंगे। 1.5 महीने होने चले, 130 करोड़ की आबादी में मात्र 38 लाख ICMR के मुताबिक टेस्टिंग हुआ है। आपको रैपिड टेस्ट के से टेस्ट करना ही होगा, चाहे आप रोक के करें, चाहे थक के करें, हार के करें। और रैपिड टेस्ट के बारे में बड़ा विचित्र भ्रांतियां हैं। जब बिहार में ही देखा गया कि जब कोई एक लैब से टेस्ट होता है निगेटिव, तो दूसरे से पॉजिटिव आ जाता है, जिससे पॉजिटिव आता है दूसरे लैब से निगेटिव आ जाता है। एक पटना की महिलाओं को निगेटिव करार दे दिया गया, लेकिन वो जितने के संपर्क में आए वो सब कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो। अब आप सोचिए कि आप खुद जिंदा हैं, भगवान के भरोसे, किस्मत के भरोसे जिंदा हैं कि किसके भरोसे जिंदा? गंभीरता से सोचिए। विपक्ष के नेताओं को यदि आप गंभीरता से नहीं लेंगे और आप मजाक बना देंगे और आदमी को आप मौत के कंगारे पर खड़ा कर देंगे, तो कम से कम WHO की तो बात मान लीजिए। बिहार सरकार ने आज भागलपुर को ग्रीन जोन घोषित कर दिया बिना टेस्टिंग के। ना कोई टेस्ट हुई, ना कुछ हुआ, और आपने घोषित कर दिया ग्रीन जोन। बारे सरकार, बारे सुशासन। इसीलिए मैंने कहा, क्या है ये सर्कस? इंसान को आप क्या समझ लिए? मौत का कुआं, और आप सर्कस दिखाएंगे और हम मरते रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपको जीना होगा खुद, आपके पास कोई रास्ता नहीं। दूसरी तरफ क्यों सर्कस कहे, इसको भी बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत। नीतीश जी और आपका कोई भी अस्पताल खुला हुआ नहीं है, प्राइवेट अस्पताल पर आपने कह दी कि कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। अब आप सोचिए, मैं कि क्या जहां पर गरीब क्या इलाज होगा वहां वो OPD नहीं खुलेंगे। तीसरी चीज, जितने डिपार्टमेंट नीतीश कुमार जी आपने खोले हैं सरकारी, वहां पर कोरोना वायरस से लोग प्रभावित, देश की भी स्थिति यही और आपकी स्थिति ज्यादा खराब।
आज केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया कि कोरोना वायरस में काम करने वाले पर जहाँ एक डॉक्टर्स की मौत हुई कोरोना वायरस से, लोगों ने उनके परिवार को जलाने नहीं दिया, उनके खिलाफ हुए तो ये कहे गए कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में कि 7 साल की सजा और जुर्माना लगे, मार्केट से ज्यादा जुर्माना यदि किसी डॉक्टर पर। मैंने पहले भी कहा कि सरकार की गलतियों का आम पब्लिक को भुगतना होगा कभी ना कभी। सबको एक घून के साथ जौ को भी पीसना पड़ता है। सरकार नागरिक के हित में कोई आवाज कोई काम क्यों नहीं करती, इस बात को यदि हम सब नहीं समझेंगे, और मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग समझने को तैयार नहीं। पॉजिटिव ट्विटर वाले लोग, मैं सोचता हूं आज दिल की बात मैं थोड़ा सा अलग हटके भी करना चाहूंगा, जब अन्य लोग कर्मचारी डॉक्टर सभी लोग काम कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधि क्यों क्वारंटाइन है, क्यों काम नहीं कर। मुख्यमंत्री जी को 1 महीना हो चला अभी तक घर से नहीं निकले, उप मुख्यमंत्री जी अभी तक घर से नहीं निकले, स्वास्थ्य मंत्री नहीं निकले, सैकड़ों सैकड़ों हजार करोड़ रुपया खर्च करने वाले एमपी में अपनी जिंदगी सुरक्षित करने में लगे। आश्चर्य होगा, क्या यह जिम्मेदारी मंत्री संतरी की नहीं बनती है कि 1,000 रुपया गरीबों को पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मुझे जानकारी है कि नहीं पहुंचा, खाद सामग्री नहीं पहुंचा, जो भी मिलना था नहीं पहुंचा, और पीडीएक्स पर लोग खरीद रहे हैं। तो आप जरा बताइए, क्या यह जिम्मेदारी एमपी एमएलए की मंत्री की है या नहीं, सरकार को क्या करना चाहिए। हम नीतीश बाबू और सरकार से जानना चाहते हैं, एक तरफ हम प्रकृति जो आदमी द्वारा पैदा किया हुआ जो वायरस है इसको मैक्रोभाइटा भी कहते हैं, आज हम सबको चाहे ईश्वर हो अल्लाह हो भगवान हो जिनको जो कह लीजिए, मैं भजन करता हूं बाबा नाम केवलम तो मुझे मैक्रोभाइटा, मुझे ताकत मिलती है। मुझे लगता है कि बाबा नाम केवलम एक गुरु मंत्र है, जो मंत्र आप कोई भी गुरु ताकत आप मिलते हैं, तो ये जो वायरस है ये एक मैक्रोवाइटा है। हम सबको सरकार और चीजों से भरोसा हटकर खुद के कर्म पर निर्भर करना पड़ेगा। सरकार पे आप मत जाइए, आज इतनी बड़ी आंधी तूफान आई किसानों की जिंदगी हराम समाप्त कर दी। एक तरफ 1.5-2 महीने से लोगों की परेशानी, भूख से मर रहे हो, इकोनॉमी समाप्त हो गई, और दूसरी तरफ जिंदगी जीने के थोड़ी भी जो उम्मीदें थी, किसान जो फसल चक्रवात में बर्बाद हुए। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार का जो सबसे बड़ी उम्मीद यही गन्ना है गेहूं है, और इस समय जो हम करते हैं वो हम लोग नहीं कर पाते, वो हम लोग सरकार की गहरी चिंता इस पर नहीं है। और मुझे आश्चर्य होता है जब मैं पहले कहा किसानों के जो 2 बीघा से नीचे जो किसान तो अब है नहीं, आप 10,000 रुपया पर एकड़
सरकार के द्वारा से मिलना चाहिए। और सभी तरह के जो किसानों पर 2 साल के ऋण, 1 साल के कम से कम ऋण को माफ करना चाहिए। और अब जो चक्रवात के हालात खड़े हुए हैं उस पर हमें सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। क्या ये MLA MP की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या बैठकर मुख्यमंत्री और मंत्री, जब आप उप मुख्यमंत्री से अपने परिवार को लाने के लिए SDO पर, DM पर, आरा के SDO पर कितने भी हैप्पी कोटा देने की बात आ गई, आप ड्राइवर्स पर कंप्लेन कर दिया, ड्राइवर गए कैसे, किसने आदेश दिया और ले कौन गए, क्यों ले गए, जो ले गए उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, जो लोग लॉकडाउन का नियम तोड़े उन पर कार्रवाई, उन MLA MP पर कार्रवाई क्यों नहीं, राइफल लेके बंदूक लेके आपके विधायक घूमते हैं, 20 आदमी के जत्थे में घूमते हैं, मजे लेते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों, MLA MP पर कार्रवाई करने की हिम्मत नीतीश बाबू और आपकी सरकार को, मैंने सर्कस क्यों कहा, क्या ये MLA MP जो इतनी बड़ी क्षति हुई है किसानों की उस पर नहीं बोलेंगे, किसानों पर डीजल पेट्रोल डीजल का जो ऋण है, जब दुनिया में डीजल, समझिएगा आज कई देश ऐसे हैं जो डीजल के बारे में कह रहे हैं कि पैसा हम लगा रहे हैं, डीजल आप हमसे लीजिए, फिर 21 रुपया डॉलर पर बैरल अमेरिका से हमारी सरकार लेने को क्यों बात, क्यों हम भारत की जनता का पैसा अमेरिका को देने के लिए बाप बाप कर, क्या डील हुई, और फिर उससे कई गुना ज्यादा हम जनता को क्यों परेशान कर रहे, क्या इसको समझना नहीं है नौजवानों को, किसानों के बारे में नहीं समझना, यदि एक सेवक आपका पप्पू हर दिन एक सही बात आप तक पहुंचाता हो, क्या कुछ देश में माइनस चला गया है डीजल पेट्रोल गैस और वो आपके देश को देने को तैयार, जहां पर जीरो पर डीजल है ईरान को आप छोड़ दिए, आप चले गए अमेरिका और वहां से आप 21 रुपया डॉलर ले, अब आश्चर्य है आपको, अमेरिका हमारे लोगों को इंडिया में के जो लोग हैं उसको वहां से हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी 2-2.5 करोड़ सुपर नौकरी जा चुकी, उनकी सुविधा कटल होगा, भारत के लोग वापस होंगे, न्यूयॉर्क को जो जरूरत होगी रखा जाएगा, लेकिन हम बाप बाप कर रहे, तो डीजल पर भी विपक्ष ने, राहुल गांधी ने जो बात कही और जो लगातार गहरी चिंता है, जो पप्पू यादव लगातार बात बोल रहा, इस पर आप बहस करने को तैयार नहीं, हम हाईकोर्ट रात में ऑर्डर दिया कोटा के छात्रों को लेकर, पहले तो आप समझिए कि कितने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, इसको समझिए, 7 करोड़ लगभग अनुमान है, ऊपर जाएगा, वो कमी नहीं है, ट्यूशन और कोचिंग का बच्चा भारत का 7 करोड़, भारत में लगभग 55% छात्र प्राइवेट कोचिंग और नहीं कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, अमेरिका में हर 10 में से एक छात्र ट्यूशन लेता है, 2016 में हुए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में 7 करोड़ से ज्यादा छात्र निजी कोचिंग ट्यूशन का सहारा ले, सीमित आंकड़ों के अनुमानित विस्तार करके जुटाया गया आंकड़ा है, जबकि इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है, इसलिए विद्यार्थी असंख्या और अधिक होने की संभावना है, ट्यूशन वाले छात्रों की तादाद के मामले में पूर्वोत्तर आज त्रिपुरा 81% के साथ पहले और पश्चिम बंगाल 78% दूसरे नंबर पर है, सर्वे के मुताबिक परिवार की 1/4 आय सिर्फ ट्यूशन और कोचिंग जाए,
नीट ट्यूशन कोचिंग का सहारा लेने वालों में 4.1 करोड़ छात्र हैं और 3 करोड़ छात्रा हैं। अब आप सोचिए, और हमारे देश की बेरोजगारी की स्थिति क्या है उसको समझिए। भारत में सरकारी नौकरी क्यों सबसे ज्यादा है? लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा लूट का कूट करके हम सरकारी नौकरी में खा लें। आप भी जानते हैं माँ बाप को सबसे ज्यादा ट्यूशन क्यों कराते हैं, जबकि हम बिजनेस करके उन चीजों से अच्छा पैसा कमा सकते। भारत में ही सरकारी नौकरी की सबसे ज्यादा हो रही, क्योंकि शादी में भी सबसे ज्यादा पैसा लगना मिल जाना है। और फिर हम एक सीमित पढ़ाई के बाद जब हम प्राइवेट में भी जाते हैं तो सरकारी नौकरी खोजते हैं, हमको सरकारी नौकरी मिली, चाहे वो रेलवे का हो, थर्ड चतुर्थ कर्मचारी हो, तृतीय कर्मचारी हो, चपरासी हो, गैर चप सबसे निचले पदान पर हो, इंजीनियरिंग और मेडिकल का कोचिंग करने वाला बच्चा चतुर्थ वर्गीय और तीर्थ वर्गीय। भारत की स्थिति बता रहा हूं। कोटा पर जब मैं हम आए और पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि हमारे बच्चों को सेफ कैसे किया जाए, तो हमारी गहरी चिंता हुई कि मैं आपसे बात करूं, और सरकार ने बहाना बना दी, निर्लजता की सीमा पार कर गए। बड़े हैं नीतीश बाबू, सरकार की बात मैं कर रहा हूं, नीतीश बाबू हैं, लेकिन ये जो सरकार है उन्होंने शुक्रवार को बोला कि मैं हमको समय दिया जाए बोलने का। मात्र एक उम्मीद और आशा का किरण जगा हाईकोर्ट कि कोई ना कोई रास्ता आज हमारे पास बहुत लड़कियों की आरा की बहुत सारी लड़कियों का हमारे पास वीडियो आया, रो रही थी कि हम लोग को पहुंचा दीजिए। आश्चर्य हुआ, घर में बच्चों के कुछ नहीं बचे, पैसा भेजने के लिए कुछ नहीं है, हमारे दोस्त लगे हुए हैं वहां कि बच्चों को खाना पहुंचाया जा सके, लेकिन अलग माँ बाप अलग रो रहे हैं और बच्चे अलग रो रहे हैं, और इनको शुक्रवार की सूझ रही। ये जो स्थिति है, सरकारी नौकरी को एक बैंक माना जाता है बिहार में, भारत में, जिसमें पैसे के साथ साथ सारी सुख सुविधा भी है, इंटायर दुनिया की सारी, हम जितना 7 पुश्त कमा के रख लेते हैं, कोई भी कमिश्नर क्लर्क बन जाए क्लर्क, 7 पुश्त हम उतना कमा लेते हैं, जनता का पैसा लूट लेते हैं, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए हम लोग बाप बाप करते हैं, चाहे उस छोटा पद ही नहीं, शादी में ही हम जितना हम पैसे लगाते हैं पढ़ाई में ट्यूशन में, शादी में ही लगभग हम निकाल लेते हैं। अब सोचिए कोचिंग वाले को कितना पैसा होगा, 1/3 पैसा परिवार का कोचिंग और ट्यूशन पर लगता है, इसको सोचिएगा। रेलवे में 30 बरस के बाद बहुत 1 लाख नौकरी निकली थी, लगभग 4 करोड़ लोगों ने भरने की कोशिश की। मुंबई पुलिस में 1137 लगभग 2 करोड़ भरे, उत्तर प्रदेश में 41,552 लगभग 4 करोड़ लोगों ने भर्ती आई किया। अब आप सोचिएगा, अब रेलवे में मात्र 10वीं पास को लिए चाहिए, आज जो इस नौकरी आरक्षण का जो सबसे बड़ा झगड़ा है नौकरी को लेके ही है ना, इतनी इतनी वैकेंसी, ये जो लड़ाई चल रही है ये क्या है, ये कोटा की लड़ाई। भारत में एक यह भी एक बड़ा वायरस है, हमारे बच्चे परेशान हैं, लेकिन स्टेट में हम कोई व्यवस्था नहीं करते, ट्यूशन कोई सरकार क्यों नहीं देती? मैं गारंटी लेता हूं कोचिंग और ट्यूशन पप्पू यादव की कभी भी हमारे हिस्से में कोई सरकार बनेगी तो हम फ्री करेंगे कोचिंग और ट्यूशन, हर परिस्थिति में कोचिंग और ट्यूशन फ्री करेंगे, हम बोझ नहीं बनने देंगे मम्मी पापा पर, परिवार पर।
आप सोचिए, और हम बाहर नहीं जाने देंगे, हम कोटा पैदा करेंगे बिहार में, हम इन्वायरमेंट पैदा करेंगे, हम ये दिन देखने नहीं देंगे। 45 साल में अभी सबसे ज्यादा विश्व बैंक ने भी कहा बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए भारत को हर साल 81 लाख नौकरी देना पड़ेगा। हर साल भारत में हर साल 13.19 नौकरी लायक लोग तैयार हो जाते हैं। 6,83,000 पद खाली केंद्र सरकार में है। 2019 तक 15,284 पद ग्रुप ए में खाली, 26,310 पद ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी खाली, 49,740 पद ग्रुप बी गैर राजपत्रित पद खाली है, 3,21,418 पद ग्रुप सी भर्तियों के लिए खाली, 36,33,935 स्वीकृत पदों में से 32,21,183 पद पर भर्तियां। देश भर में कई विभागों की जरूरत, 10,00,000 शिक्षक प्राथमिक मध्य विद्यालय में खाली, 4.4 लाख सशस्त्र पुलिस की जरूरत, 90,000 के करीब पुलिस कर्मियों की जरूरत राज्य में पुलिस को, न्यायपालिका में 5,800 पद खाली, 54,000 पद डाक विभाग में, जबकि रेलवे और डाक विभाग सबसे बड़ा महकमा, 54,000 पद स्वास्थ्य विभाग में खाली, 1,50,000 स्वास्थ्य विभाग में खाली, 54,000 डाक विभाग में। इन आंकड़ों को देखा जाए तो 20,00,000 पद खाली पड़े हुए अभी तक। वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 33,00,000 केंद्रीय कर्मचारी, अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका के मुकाबले देश में प्रति नागरिक सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफी कम है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 1,00,000 लोग पर सिर्फ 139 कर्मचारी, जबकि अमेरिका में 1,00,000 लोगों पर 668। देश में सबसे ज्यादा कर्मचारी रेल और डाक में, कर्मचारी सरकार के प्रमुख कर्मचारी संख्या बेहद कम है। 2015 तक मंत्रालय सचिवालय में 23,860 कर्मचारी थे, इसमें डायरेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी शामिल। जब अहम सरकारी कामों के लिए कर्मचारी नहीं है तो सोचने की बात है बाकी का क्या लोग, ये केंद्र की बात में बताए। मंजूर पदों पर वास्तव में बड़ा अंतर है। वास्तविक संख्या मंजूर पदों के बीच 1 जनवरी 2014 तक सरकार ने 40.4 लाख पदों को मंजूर किया था, लेकिन अभी तक मात्र 3.30 लाख लोग थे मात्र। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के मुताबिक 55% छात्र प्राइवेट कोचिंग व कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, और अमेरिका में मात्र 10 में 1। तो आप सोचिए कि कितने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और क्या हाल होगा इस लॉकडाउन में, इसको समझने की जरूरत। और इसको यूथ को नहीं समझेंगे, आज हमारे छात्र विंग छात्र अध्यक्ष विशाल कुमार के नेतृत्व में और पूरे बिहार के छात्र अध्यक्ष के नेतृत्व में कोटा और सभी जगह के मजदूर के लिए 12 घंटे का उपवास रखा गया। मैं बधाई देता हूं छात्र को, पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष मनीष कुमार को और सभी बिहार के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सभी जगह बैठे थे, चाहे वो दीपक झा हो, चाहे जहानाबाद में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बीएन कॉलेज के पूर्व लीडर, चाहे हमारे सभी कार्यकारी अध्यक्ष और सभी उपाध्यक्ष पदाधिकारी, आज सभी लोग बैठे थे, महासचिव, सभी जिला अध्यक्ष, एक आवाज दी उन्होंने सरकार, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें लड़ने की जरूरत है कोटा के छात्र और बेटी, जहां जहां पर बिहार के बच्चे फंसे हुए हैं, इस लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे हम। जब ये सरकार को हिम्मत नहीं है कोर्ट का जवाब देने को, तो ऐसी सरकार को रख करके क्या फायदा, हम सत्याग्रह करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी परिस्थितियों में।
आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया कि हम कितने लोग कोचिंग में, और मैंने कहा कि इसका जिद है मेरा, कोचिंग से बड़ी सुविधा हम देंगे, हम माहौल तैयार करेंगे, लेकिन बच्चों के माँ पिता पर बोझ न पड़ेंगे और उसके मेंटल टॉर्चर नहीं होने देंगे हम अपने बच्चों को। हम उसे फ्रीडम देंगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये मेरा संकल्प है, मैं वचन लेता हूं इस लॉकडाउन में, यदि यूथ संकल्प ले कि कोटा के बच्चों को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम चैन से हर घर में हम बैठे हैं। ये निर्णय हमको मुहिम चलाना चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मुहिम चलाइए आप लोग। मैं आग्रह करता हूं भारत में जहां जहां बच्चे हैं और मजदूर हैं उसको बिहार लाओ, राज लाओ, लॉकडाउन भारत बिहार सरकार। बहुत अजीब दास्तान, एक तरफ किट्स गलत, जांच गलत, एक तरफ बिना जांच के ग्रीन और दूसरे तरफ सरकार की ना इंसाफी जो सब दिन रही। आप सुनना पसंद करेंगे? बिहार की जनता लॉकडाउन है लेकिन अपराध पर कोई लॉकडाउन नहीं। मैं वो आज आपको अंतिम बताना चाहूंगा। नालंदा जिले में एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई, नौगछिया में एक डॉक्टर को गोली मार दिया गया, मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बैंक लूट लिए गए, पूर्वी चंपारण हरसिद्धि पकड़िया पंचायत में 3 लोगों की 19 अप्रैल को मार दिया गया, वैशाली जिले के हसनपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पति ने एक बच्ची की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसने उसका पिस्तौल से गोली चलाते हुए वीडियो बना लिया था। सोचिए मुखिया पति की हिम्मत देखिए, बच्ची को मारकर लाश जलाकर गायब कर दिया, बच्ची को मारकर लाश जलाकर गायब कर दिया। पूर्णिया में सुभाष नगर के अनुज कुमार की हत्या कर दी गई, बेगूसराय में 2 युवा को तो पुलिस ने मारते मारते मार दिया क्योंकि वो गरीब और अत्यंत पिछड़ा था। 24 घंटे में वहां 4 हत्या की घटना है। सहों के सोनबरसा गांव में सुनील शर्मा की गोली मारकर हत्या, चढ़िया बरियारपुर में पंचमुखी गांव के रामचंद्र सनी को मारकर पेड़ से लटका दिया गया, चिड़िया बरियारपुर के ही विनोद को मारकर फेंक दिया गया, उनके शरीर पर गर्म पानी डालकर जलाया गया, तड़पाया गया, फिर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिए। लाखों के राजीव कुमार को पीट पीट कर मार डाला। सोचिएगा कुछ दिन पहले सिवान के शेषनाथ द्विवेदी की हत्या, पूर्णिया रामबाग में विक्की ठाकुर की हत्या, बांका अमरपुर के किशोर चौधरी की हत्या, चकाई के कोंजी गांव में गुरधू हेमरम की बेटी की हत्या पैर लटका कर कर देना, समस्तीपुर के हलई ओपी के दरबा गांव में बालक अंकुश कुमार की हत्या कर मिट्टी में गाड़ देना, दर्जनों घटनाएं। लेकिन सत्ता में बैठे नालंदा में वकील राजेश यादव की हत्या, घर घुस कर दिन दहाड़े, दरभंगा में अबरा गांव के फिरदौस आजम की गला रेत कर हत्या, राजधानी पटना में मालसलामी थाना के पत्थरघाट निवासी ठेला चालक भाना राय, उनकी पत्नी शीला देवी, बेटे राजू राय की लोहे के रड से पीट पीट कर मारकर गंगा में फेंक दिया गया, 19 अप्रैल की घटना। नौबतपुर के चर्रा गांव में किराना दुकान सुरेश यादव को चाकू गोद दिया, नर्मदा में कौआ कोल के द्वार घोष में 2 सगे भाई जितेंद्र विदास धर्मेंद्र विदास की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या, औरंगाबाद के ओबरा के रेडिया गांव निवासी पप्पू पासवान की हत्या, रोहतास के राजपुर थाना के डेहरी निवासी विजय सिंह के पुत्र संजीव कुमार की हत्या, पटना सिटी खाजगाला थाना नूनू चौराहे निवासी गोपाल बैंड के मालिक गोपाल प्रसाद गुप्ता के बेटे सन्नी कुमार की गोली मारकर हत्या। अपराधियों से गोली तब मारी जब लॉकडाउन का पालन करने के लिए एनसीसी कैडेट कुछ असामाजिक तत्व को समझा रहे थे जिसमें उसे गोली चला सन्नी बेमौत मारा गया। अब ये सोचिए खगड़िया में गैंगवार और राजनीतिक हत्या का दौर लॉकडाउन में जारी, पूर्व मुखिया जगदीश चंद्र बसु की हत्या, फिर गैंगवार में रामानंद यादव के 3 लोगों के साथ हत्या, मौत के घाट उतार दिए गए। गैंगवार लॉकडाउन में गैंगवार, अब आप हत्या का सिलसिला सुन लिए और ये सरकार
लॉकडाउन फेमस, पूरी सरकार क्वारंटाइन, मौका नंगा सिलसिला हला उसी तरह, हिफाजत और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, और ड्राइवर को सस्पेंड करेंगे, एसडीओ को, अपने एमएलए को क्वारंटाइन नहीं करेंगे, और हाई कोर्ट में निर्लजता पार कर देना। कोटा और अंजनों के छात्रों पर जब सवाल किया गया, ये लड़ाई हमें लड़नी होगी, महंग हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ छात्र इकाई के, पूरे बिहार के छात्र के साथियों, प्रदेश के कार्यकारी पांचों अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को और अन्य सभी जिला के छात्र अध्यक्ष को। आप लगातार लॉकडाउन में लोगों की मदद भी कर रहे हैं। मैं पप्पू ब्रिगेड में कोई साथी छोटे स्तर पर हो, लगातार काम करना। मैं फिर आग्रह करूंगा बिहार के लोगों से, मुट्ठी भर दान गरीबों की मुस्कान की, आप हीरो बने, आप सहायक बने, आप 1,000 रुपया दें या 500 जरूर मेरे, मेरी हिम्मत अब टूटने जा रही, आपके बदौलत ही मैं लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। कल 5,00,000 रुपया अकाउंट में डाले गए, हर दिन लगभग 1,00,000 रुपये लोगों के अकाउंट में डाल पा रहा हूं, जबकि लोगों की उम्मीद बहुत है सबसे ज्यादा, और अभी खतरा बाकी है। 5 मई के बाद आपकी स्थिति और बुरी होगी, एक तरफ भूख से एक तरफ मौत बढ़ेगी, क्योंकि जांच नहीं हो रहा। मेरी यह बात याद रखिएगा, जांच नहीं होने के कारण मौत की संख्या बढ़ेगी, इसका ख्याल रखिएगा। और जो हालात हैं बिहार के मजदूर भाइयों के, दिनों दिन बुरे होते जा रहे हैं, हर जगह से रोने का वीडियो आ रहा है। प्लीज आप कम से कम 4,000 से 6,000 रुपया आप उनके अकाउंट में डालें, हर परिस्थितियों में, जो जनधन योजना और जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ उसको आप खाने का किट उपलब्ध कराएं। मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए आज मेरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट था एजुकेशन, जो मैंने आपको बताया कि आम आदमी के पैसे कैसे खर्च होते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जो सरकार की, उस पर मेरी गहरी चिंता हो गई। फिर पेट्रोल को लेकर किसानों पर जब मैंने देखा कि भगवान का एक अलग प्रकोप, पूरी फसल बर्बाद, तो डीजल याद आया, पूरी दुनिया में डीजल देने को तैयार, और सरकार हमसे डीजल बेचेंगे क्यों, और लॉकडाउन को लेकर फिर किट्स क्यों गलत, और यहां सरकार लॉकडाउन मंत्री से क्वारंटाइन हो चुका है, मंत्री